अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। अरे वाह मीरा, तो ये इतना सारा खाना तुमने अकेले बना लिया। अच्छा मम्मी अभी आप जाइए ना, हम बिट्टू की फेवरेट डिश मालपुआ बना रहे हैं, तो आप जाइए। तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह काम करने लगी हो, इतना सब कुछ कहाँ से सीख लिया? मौसी क्या, वहाँ सारा काम हम ही तो करते थे। सारा काम मतलब? मतलब सुबह शाम खाना बनाना और जो भी कहती थी सब सीख जाते थे, तो बस आदत पड़ गई। अच्छा अभी आप जाइए ना, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम जा रहे हैं, लेकिन हमें एक बात सच सच बताओ, मैं सारे घर का काम तुम अकेले ही करती थी? हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे मम्मी? पर ये तो अच्छा है ना, अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मीरा को तो कुछ आता ही नहीं, वो कुछ करती नहीं, आप जो बोलेंगी सब हाजिर कर देंगे हम। बढ़िया है मम्मी, मतलब हम दीदी की शादी तो कर ही सकते हैं। किचन किंग बन गई है वो, मौसी के यहाँ से तो बहुत कुछ सीख लिया है। लल्ला, नसीब से लड़ना इंसान के बस में नहीं होता। शायद तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में यही योग था, इसीलिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ी। पर हमेशा याद रखना, रात होती है तो सुबह भी होती है, और तुम्हारे जीवन का सवेरा शुरू हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्थ, पार्थ, शीला बहुरिया, उम्र हमारी बढ़ रही है और याददाश्त तुम्हारी कम हो रही है। कैसे माँ बाप हो तुम लोग, एक बेटे के मुंह में दूसरे बेटे की सुध तक नहीं लेते तुम लोग। उसको लेने जाना तो दूर, पर उसके आने की खबर भी नहीं ली तुम लोगों ने। कहने दीजिए दादी, क्या फर्क पड़ता है? हमें माफ कर दो बेटा, वो गर्व के प्रोग्राम के चक्कर में हम सब भूल गए। याद कैसे रहता, एक बेटा थोड़ा बहुत काम करने लगा तो दूसरे बेटे को भूल गए? माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, गर्व हमारी आंखों का तारा है, तो बात भी हमारी जान है। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना तो मायने रखते हैं। क्या किया है तुम लोगों ने, इतने सालों में कभी सूद ली है बेटे की? एक सजा कानून ने दी और दूसरी तुम लोगों ने बेरुखी करके। मजी हमारे बस में कहां कुछ था, हम करते भी क्या, और ऊपर से वो हादसा। तुम लोगों को अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं था तो कम से कम हमारे खून पे तो भरोसा कर लेते। जब हमें यकीन है कि हमारा पार्ट किसी को मार नहीं सकता, तो तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर सकते? गलती से उस लड़की को धक्का लग गया, पर हमारा लल्ला जानबूझकर किसी को धक्का मारे, और जान ले ये बात हम किसी भी कीमत पे मान नहीं सकते। पापा मैं जीता ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है। यानी माँ पापा ने किसी को सच नहीं बताया कि धक्का घर भाई से लगा था।
वाह गर्व भैया, कमाल कर दिया आपने, पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए आप। प्रयागराज ऑनलाइन में तो एमएलए साहब के साथ साथ हम सबकी फोटोज भी आई है। अम्मा जी, हमारी सारी गलतियों के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब छोड़िए ना, हमने ना हमारे बेटे पार्थ के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। पार्थ बेटा, अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाने चलोगे ना? चलो चलो बेटा, खाना खाते आओ। What an impressive move. हर तरफ आपकी चर्चा आज। बस वो पार्थ भैया की एंट्री ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया। आई मीन एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड ऑल, पर वहां थोड़ा मैनेज करना पड़ गया। अब एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। तो अदरवाइज तो आज का दिन ऐतिहासिक था। पार्थ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। बस बस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन अब आशीर्वाद क्या ही दे भाभी। नहीं, आप ही बता दो, जवान बच्चों को क्या आशीर्वाद दिया जाता है? खूब नाम कमाओ, तरक्की करो। अब नाम तो कमा ही चुका है पार्थ, अपराध की दुनिया में ही सही। अब खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। बाय बाय श्रुति दीदी, जीवन में पहली बार आपने कोनो फैसला अपने दम पर बिल्कुल सही किया है। आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। क्या होगा आगे? वही होगा जिसका आपको डर है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। वेलकम बैक होम। वापस क्यों आ गए पार्थ? कितना परफेक्ट था सब कुछ तुम्हारे बिना, पैसा, रुतबा, नाम, काम। 7 सालों की मेहनत से हमने सब कुछ बनाया है। अब अगर गलती से भी हमारे गुनहगार होने की बात सामने आ गई तो सब तबाह हो जाएगा। नहीं पार्थ, ये हम होने नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं। तो ठीक है जी भैया। माँ चलिए खाना लगाइए, बहुत भूख लग रही है।
बहुरिया, पार्थ बेटा आप यहां बैठो, हम दूसरी कुर्सी मंगवाएंगे, बैठ जा, आओ बैठो बेटा। पता नहीं सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, पहले ही कहे थे हम एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगानी है, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का, जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। भाभी जी अब उसमें नौकरों की क्या गलती है, यहाँ पे 7 मिनट तक कुछ काम याद रखना इतना मुश्किल है, तो ये पार्थ की तो प्लेट पिछले 7 सालों से नहीं लगाई गई। और आप इतना परेशान क्यों हो रही है, अब तो पार्थ को भी आदत छूट ही गई होगी आराम और इज्जत से खाने की, है ना पार्थ। उसकी गई या नहीं, पर तुम्हारी तो मायके से गई हुई है, और ऊपर से यहाँ थोड़ी इज्जत मिल गई तो पच नहीं रही है ना। कुत्ते को घी नहीं पचता, वैसे ही तुम्हारे हाल है। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, आज खुशी का मौका है, चलिए खाना खाइए। पार्थ अरे हाँ भाई साहब, वो यानी जी याद है आपको, दरअसल वो प्रयागराज वापस आ गए और हमारे साथ फिर से बिजनेस करना चाहते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं मुझे, अगर आप कहें तो बुला लें। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है। नहीं चाचा जी, उन्हें मना कर दीजिए, आई हैव बेटर बिजनेस पार्टनर्स नाउ, हमें उनकी जरूरत नहीं है। पर बेटा आप, उनसे हमारे बहुत पुराने एसोसिएशन है और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, टूट सकती है सर। तो बिजनेस और दोस्ती इन दोनों को अलग रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किसने लिए। आप अपनी यारी दोस्ती रखिए, घूमिए फिरिए, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते। भाई साहब वो चाचा जी, बिजनेस के मामले में आपको हमारी सुननी पड़ेगी। इस बिजनेस को हम अपनी समझ और अपनी मेहनत से यहां तक लेकर आए, वरना आप और पापा तो सपनों में भी उस एक दुकान से आगे नहीं सोच पाते। आज पूरे देश में 50 से ज्यादा स्टोर्स हैं हमारे, ये सब हमारी विजन है, हमारा आउटलुक है। तो बिजनेस के फैसले हम लेंगे। कोर्स भैया, आप ही की मेहनत है। हेलो, हाँ बस 2 मिनट, हम आ रहे। मम्मी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आते हैं। मीरा, फिर से कहाँ चली है सवारी? वो मम्मी बस जल्दी आ जाएंगे, वो गरिमा ने किसी बहुत जरूरी काम से बुलाया है, बस हम यूं गए और यूं आ जाएंगे। लेकिन दीदी, पर अगर आपने पार्थ की दीवानगी नहीं छोड़ी तो हम मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देंगे। बिट्टू तुम जाओ, जाकर अपनी फेवरेट डिश ट्राई करो।
और फिर बताओ कि हम कितने मास्टर शेफ हैं और कितने नहीं। हाँ हम आ रहे हैं पापा। दादी प्रज्ञा कहाँ है? वैसे तो हमें कड़वा बोलने की आदत है, लेकिन कुंभकर्ण जब 6 महीने की नींद के बाद जागता था तो उसे पूरी दुनिया यहाँ की वहां मिलती थी। और बेटा तुम तो 7 साल बाद नींद से, मतलब जेल से आए हो ना? तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है उसकी। क्या प्रज्ञा की शादी हो गई? पर हमें किसी ने बताया तक नहीं। अब जेल में कार्ड लेके थोड़ी आ सकते हैं, और अगर आ भी जाते तो तुम क्या आ पाते? चाहता भी कौन था कि जेल का कैदी हमारी बेटी की शादी में आए? पार्थ, हमारे घर की लड़की की शादी थी। अगर उन लोगों को भनक भी लग जाती ना कि तुम जेल में हो, तो वो रिश्ता तोड़ देते। लल्ला, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। तुम्हें पता है प्रज्ञा तुम्हें बहुत याद कर रही थी, और शादी के वक्त हम सब तुम्हें याद कर रहे थे। अगर तुम होते ना तो बात ही कुछ और होती। कितनी रौनक लाते तुम। पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो ना तो गर्व की शादी में हम सारी कसर उतार देंगे। बस एक बार ये लड़की पसंद कर ले, कोई लड़की रासी नहीं आती। शीला, एक काम करते हैं, हम गर्व से पहले पार्थ की शादी करवा देते हैं। नहीं, मतलब हमने सुना था कि लोग औलाद के प्यार में अंधे हो जाते हैं, और आज तो साक्षात देख भी रही हूं। अरे, आपके खूनी पोते से शादी करेगा कौन? अगर तुम जैसी नागिन से शादी कर सकता है कोई, तो हमारे पोते से शादी क्यों नहीं कर सकता? उसे एक गलती हुई है बस। और देखना, हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कि तुम्हारी ये तेज जुबान और एक गोबर जैसी सोच दोनों पे ताले लग जाएंगे। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत का कद हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। तुम देखना, शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको। दादी, इनके लिए कोई लड़की मिल भी गई ना तो पक्का इनकी तरह क्रिमिनल ही होगी, या फिर कोई अनजाने में ही कर ले शादी तो। ए पगले, तू तो चुप ही हो जा, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। सही कहा जी आपने, एक खून तो कर चुका, हाथ खुल गया है, अब दूसरा तीसरा करने में हिचक थोड़ी ना होगी इसे।
बात सुनो, हमारी बात रुको। पापा भाई जितना ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। फाइल को छत से धक्का हमने दिया, एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डर। अब नाम तो कमा ही चुका है पास्ट, फोन करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तू तो चुप ही हो जा, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वेलकम बैक होम। अरे कौन है, छोड़ दो हमें। पार्थ, पार्थ कहाँ चला गया?